अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ है कि लाइक माइलेज जो है वो ऑलवेज डिपेंड करता है आप कितना। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे अच्छा माइलेज लेने में। दोस्तों, माइलेज जो है वो डिफ़र करता है अलग अलग बाइक्स पे। इवन जो है वो सेम मॉडल की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बाइक हो उसमें भी माइलेज जो है वो चेंज हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्टली मुझे माइलेज मिल रहा है वो आपको भी मिले और जो आपको मिल रहा है वो किसी और को भी मिले। तो इसीलिए जो है ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो किस तरीके से अपना बाइक राइड करते हो, किस तरीके से उसको मेनटेन करते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जितना अच्छा अपने बाइक को मेंटेन करोगे, जितना अच्छा बाइक को आप राइड करोगे, उतना ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा। अब तक बारिश नहीं था, अभी पता नहीं आज सुबह से बारिश हो रहा है। इतना ज़्यादा भी बारिश नहीं है पर अगेन लाइक ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसे मैं आपको देने वाला था टिप्स, अब टिप्स में जो है मैं आपको सबसे पहला ये बात बताऊँगा कि लाइक आपके गियर शिफ्टिंग के बारे में। माइलेज जो है वो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर डिफ़र करता है कि आप जो अपने गियर्स जो है वो किस तरीके से शिफ्ट करते हो। अगर जो है वो आपने अपने गियर्स बहुत जल्दी शिफ्ट कर दिए बराबर, तभी भी आपका माइलेज जो है वो कम हो सकता है। और अगर जो है वो आपने अपने गियर्स जो है वो बहुत लेट शिफ्ट किए, तभी भी आपका माइलेज जो है वो कम हो सकता है। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है आपको कि परफेक्ट जो है वो आप अपने गियर्स को शिफ्ट करो एक परफेक्ट आरपीएम पे। तो लाइक जब भी आप जो गियर शिफ्ट करते हो आपको ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि आपका इंजन जो है वो स्ट्रेस नहीं हो रहा। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मेरा स्पीड जो है वो कम है, राइट? ऑफकोर्स अगर मैं इतनी स्पीड में चलाऊँगा तो मेरा माइलेज जो है वो कम होगा, बट अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे शिफ्टिंग के बारे में, राइट? तो जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक कम होने दो, मैं आपको बताता हूँ शिफ्टिंग के बारे में। तो लाइक आप जैसे देख रहे हो अभी अगर सेकेंड गियर जो है इसमें मैं इससे ज़्यादा अपने इंजन को पुश करूँगा, लाइक 30 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा, तो ये होगा कि मेरा इंजन स्ट्रेस होगा। इंजन स्ट्रेस होगा तो ऑफकोर्स आपका जो माइलेज है वो कम होगा। तो ये एक बार करने से तुरंत कम नहीं हो जाता है, ये जो है वो डेली बेसिस पे आप जब करोगे तो आपका माइलेज कम होगा। जैसे मुझे लगता है, मुझे पैरों में फील होता है कि लाइक अभी जो है वो मेरा इंजन स्ट्रेस हो रहा है, मैं तुरंत ही जो है वो गियर शिफ्ट कर देता हूँ। और गियर शिफ्ट करने के बाद जो है वो बाइक नॉर्मल एकदम स्मूथ हो जाता है और इंजन एकदम स्मूथ साउंड करने लगता है, जिसके वजह से जो है वो हमको प्रॉब्लम नहीं होता। अब अगेन ये जो है वो वेराई करता है डिफरेंट डिफरेंट सीसी के बाइक्स के ऊपर। तो मे भी हो सकता है कि मेरा बाइक जो है वो थर्ड गियर के 30 स्पीड में जो है वो एकदम स्मूथली चल रहा है, पर आपका जो बाइक है वो थर्ड गियर पर वाइब्रेट करता है। तो इस चीज़ में जो है वो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आपको अपने इंजन के हिसाब से गियर शिफ्ट करने हैं, ना कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपका इंजन वाइब्रेट हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के वजह से तो आपको जो है वो तुरंत गियर शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, मैंने सीधा जो है वो चेंज कर लिया गियर और स्मूथ गियर करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, राइट? अब एक और चीज़ जो है वो मैं नहीं फॉलो करूँगा यहाँ पर, लाइक मैं जो हूँ एक फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर पर हूँ और मैं चला रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है वो स्पीड बहुत ही लाइक बोल सकते हो कि कम है और इंजन जो है वो अगेन स्ट्रेस होगा बराबर, और जिसके वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम होगा। इवन आप हाफ क्लच में रख के ज़्यादा टाइम बाइक चलाओगे तभी भी जो है वो आपका माइलेज कम होगा। ओके, अभी गियर्स को छोड़ के दूसरा जो है उस पर आते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड। आपको अच्छे से अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको मैक्सिमम कितने स्पीड में चलाना चाहिए, राइट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये हाईवे है और मेरा जो है 150 सीसी का बाइक है, अगर मैं यहाँ पे जो है वो 90 या फिर 100 की स्पीड पे चलाऊँगा तो मेरा जो माइलेज है वो कम हो जाएगा बराबर। उसका रीज़न ये है कि मेरा इंजन जो है वो स्ट्रेस होगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस वाला चीज़, तो एक जब ही आप सिटी में चला रहे हो, देखो जब यहाँ पे 60-70 के ऊपर चला जाता है तो मेरा इंजन थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है। तो अगर मैं 70 के स्पीड में या 80 के स्पीड पे चलाऊँ तो मुझे जो है वो माइलेज सबसे बेस्ट मिलेगा। वही सेम अगर जो 100 सीसी का बाइक है तो जिसमें सिनेरियो अलग रहेगा, जिसमें लाइक 40-50 के स्पीड पर चलाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और इवन जब आप सिटी में भी रहते हो तो सिटी में भी ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा
फॉलो करता है। लाइक सिटी में मैं अपना बाइक जो है वो 40 पे चलाऊंगा तो मुझे अच्छा माइलेज मिलेगा। अगर 40 से मैंने कम किया तो माइलेज कम हो जाएगा, 40 से मैंने बढ़ाया तो भी जो है वो माइलेज कम हो जाएगा। रीज़न है मेरा गियर जो है वो कम होगा और उसके रिगार्डिंग जो है मैं अपने इंजन को पुश करूँगा। अब तीसरा टिप जो है मैं आपको देता हूँ कि स्पीड जो है वो कभी ऐसे या फिर ऐसे मत किया करो, बराबर। ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, मतलब स्पीड जो है वो कभी सडनली एकदम से बढ़ाओ मत, ना ही सडनली एकदम से जो है वो कम करो, बराबर। एक कंसिस्टेंट स्पीड पे चलाओ जिसके वजह से आपका इंजन जो है वो एकदम सही रहेगा और आपका बाइक जो है वो एकदम सही चलेगा, तो आपका जो माइलेज है वो बढ़ेगा। बार बार जो है वो स्पीड कम ज़्यादा करने से प्रॉब्लम हो सकता है। अरे यार बारिश चालू हो गया, थैंक गॉड मैंने रेनकोट पहना था, तो कोई नहीं। हाईवे पर मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बारिश में, जब आप चलाते हो तो सडनली आप जो है वो ब्रेक प्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर सडनली जो है वो इमरजेंसी ब्रेक प्रेस किया तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका बाइक स्कीड हो जाएगा, राइट। क्योंकि अभी जो है वेट सरफेस पे ग्रिप नहीं मिलता अच्छे से। अगर आपका बाइक जो है वो न्यू है तो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है, इस वीडियो में भी बोल देता हूँ कि अगर आपका बाइक जो है वो ब्रांड न्यू है, जस्ट आपने जो है वो डीलर से लिया है और बाइक आप लेके जा रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ है मैं आपको बोलूँगा कि माइलेज के बारे में ट्राई मत करना, क्योंकि माइलेज जो है वो एक लेवल बाद बढ़ जाएगा। मैं भी हो सकता 1000 किलोमीटर में भी हो सकता 1500 किलोमीटर्स, डिपेंड, मतलब मोस्टली जो है वो कोई भी बाइक में 1000 किलोमीटर के बाद जो है वो एवरेज अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, गियर्स जो रहते हैं वो स्मूथ हो जाता है और जिसके वजह से आपका माइलेज अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो है वो आपका बाइक नया है और आप चेक करोगे माइलेज, तो ये चीज़ जो सही नहीं है, बराबर। कंपनी क्लेम भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन आप बोलोगे मुझे इतना अच्छा माइलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ वेट, बराबर। 1500 किलोमीटर के बाद जो है वो आप ट्राई करना माइलेज फिर से, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपका माइलेज क्या है। और वही सेम जो है वो मैं भी, हो सकता है आपको अच्छा और माइलेज मिले आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। तो जितना आपका इंजन रिफाइन होगा, जितना आपका इंजन स्मूथ होगा, उतना आपको जो है वो माइलेज अच्छा मिलेगा। एक और टिप जो है मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा, जिसको मैं बोलता हूँ अननेसेसरीली ब्रेकिंग, बराबर। अब अननेसेसरीली ब्रेकिंग का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है वो या तो जैसे उनको पता है कि सामने कुछ नहीं है, फिर भी जो है वो ब्रेक्स प्रेस करके जो अपना बाइक स्लो कर लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ जो है वो मत करो। दूसरा चीज़ है, कभी कभी जो है वो लोग डर के मारे या तो फ्रंट ब्रेक या तो रियर ब्रेक पकड़ के रखते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है, मोस्टली बिगिनर्स के अंदर ये होता है कि जब भी जो है वो आप बाइक चला रहे हो तो आप बाइक चलाने के टाइम पे हल्का सा आप रियर ब्रेक या फ्रंट ब्रेक जो है वो प्रेस करके रखते हो। अभी ऑफकोर्स अब हल्का सा आपका ब्रेक जो है वो कनेक्टेड है आपके रियर व्हील के साथ, तो रियर व्हील तो घूमेगा, बराबर। एकदम एग्जैक्ट ज़्यादा स्पीड में तो नहीं घूमेगा, पर थोड़ा सा स्पीड में घूमेगा। और फिर जो है उसके वजह से ये होगा कि आपका जो है ब्रेकिंग, बराबर, आपका जो माइलेज है उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगा, यानी कि माइलेज जो है वो ऑफकोर्स आपका जो है वो कम हो जाएगा। रीज़न है कि आपने ब्रेक प्रेस करके रखा है और आप जो है वो बाइक चला रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको एक और टिप देता हूँ, जो कि मेरा छठवां टिप रहेगा, और वो ये रहेगा कि अननेसेसरी यूज़ ऑफ क्लच, बराबर। तो लाइक अभी देखो मैं डाउन हिल में हूँ, मैंने क्लच छोड़ के रखा है, मेरा बाइक जो है वो जा रहा है, मेरे कंट्रोल में है। अगर 50 का स्पीड है तो मैंने फिफ्थ गियर रखा है, मैं लोअर गियर नहीं रखूँगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था क्लच के बारे में, तो कभी कभी जो है वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनका क्लच एंगेज रहता है और वो लोग एक्सेलरेट करते हैं। तो लाइक हाफ क्लच रख के जो है वो एक्सेलरेट करोगे तो आपका माइलेज कम होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि आपका इंजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है और आपने क्लच प्रेस करके रखा, जिसके वजह से आपको स्पीड नहीं मिल रहा। तो कभी कभी जो है वो इसके वजह से भी माइलेज कम हो जाता है। आप अपना क्लच जो है वो चेक कर लो और उसके हिसाब से जो है वो आप अपना बाइक चलाओ, क्योंकि कुछ कुछ बाइक्स पे दोस्तों मैंने देखा है कि क्लच जो है वो कुछ ज़्यादा ही बाहर होता है, जिसमें लाइक मैं यहाँ से फिंगर से पहुँचने जाऊँ तो मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो दोस्तों थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आप जो है ऑलवेज अपना क्लच का सेटिंग राइट रखो, बराबर। अगर आप उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा उसके रिगार्डिंग जो परफेक्ट सेटिंग होता है जो क्लच का, जो अच्छे माइलेज लेने के लिए, अच्छे गियर शिफ्ट करने में यूज़ होता है। अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ है कि लाइक माइलेज जो है वो ऑलवेज डिपेंड करता है आप कितना वेट कैरी कर रहे हो, राइट। अगर जो है वो आप अपने साथ एक पिलियन कैरी कर रहे हो तो माइलेज जो है वो कम होगा। ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा।
और एक और बात है, जैसे कि आप जो है वो इसे सिग्नल या इसी जगह पे आते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप लंबे समय तक रुकने वाले हो, तो आप अपना बाइक का इंजन बंद कर सकते हो। ये एक सबसे नॉर्मल चीज़ है जो आपने बहुत जगह पे सुना भी रहेगा और बहुत लोगों ने जो है वो आपको बोला भी रहेगा। मेरा हेलमेट देख रहे हो यार, कुछ दिख नहीं रहा था। ओके, स्टार्ट करते हैं। भी गया था वो बाइक वाला भी, और ये भी देखा आपने, रिक्शा वाले ने सिग्नल भी नहीं दिया, नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से अपने दुनियादारी में चला रहा है। पूरा रास्ता, आधा रास्ता उसने ब्लॉक करके रखा, आधा रास्ता बस वाले ने ब्लॉक करके रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब आपको पता है कि आप ज़्यादा टाइम तक रुकने वाले हो तो अपना इंजन जो है वो ऑफ कर दो, कोई इश्यूज़ नहीं है। मेरा बाइक डेली चलता है, इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने सब ऑन रखा है, तो जैसे ही लगा वैसे मैं जो है वो बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपके पास जो है वो इंजन किल स्विच नहीं है तो आप मेन बंद कर सकते हो, और जब आपको पता लगेगा कि आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ने वाला है तो बस बाइक को फिर चालू कर लेना। ओके दोस्तों, तो मेरे तरफ से इतना ही। माइलेज के रिगार्डिंग जो टिप्स है वो मेरे पास फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपके पास कुछ और टिप्स हुए तो प्लीज़ जो है वो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। आई होप सो ये सारे टिप्स जो है वो आपको पसंद आए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक इट, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, राइड सेफ एंड बी सेफ, बाय बाय।